चकले जायका इंडिया का, चकले जायका इंडिया का, चकले जायका इंडिया का, ये जायका इंडिया का। அடலி நகர போனோரே காணா போனின்னு போனோரே போய் வரம்புல எந்த கொண்டு வரும் கை நிறையா கடலி நகர போனோரே காணா பொன்னு போனோரே கடலி நகர போனோரே காணா பொன்னு நமஸ்கார் हम इस वक्त केरल में हैं, जायकों की तलाश में हैं। केरल जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, ये सब जो आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं ये अंग्रेजी में इसे एलपी लिखा जाता है लेकिन बोला जाता है आलपी। ये बैक वाटर्स हैं आलपी के और हम यहाँ पर जायकों की तलाश करेंगे। हमने सुना यहाँ पर टॉडी मिलती है, टॉडी जिसे पी कर यहाँ के लोग मलयालम में इस तरह का गीत गा सकते हैं कि ये जो हल्का हल्का सरूर है। और वैसे हम आपको बता दें कि केरल से एक नए नेता उभरे हैं, उनका नाम शशि थरूर है और साथ में हम खरीदेंगे प्रॉन क्रैब मछली और उसे इसी हाउस बोट पर पकाएंगे, उसका जायका आप तक पहुंचेगा। ये जो बैक वाटर्स हैं केरल के, इनकी लंबाई 900 किलोमीटर से ज्यादा है और ज्यादातर हिस्से में कश्तियां जाती हैं, हाउस बोट जाती हैं। इनके किनारे आप देख सकते होंगे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, घरों के पीछे लोगों के खेत हैं। ये इनकी जीवन शैली है, अपने अपने इनकी किश्तियाँ हैं और छोटी सी दीवार है जो पानी के चैनल के साथ साथ वो भी इन्हीं की थोड़ी सी ही बनाई हुई है, यानी कुदरत के करिश्मे में इंसान ने ज़्यादा दखलअंदाजी नहीं की है। इन्हीं किनारों पर इनके साथ रहते हैं कछुए, मेंढक, क्रैब्स, मड क्रैब्स, मड्सकेपर्स जिन्हें बोलते हैं, वो भी यहीं पर ही रहते हैं। तो पूरा जो इकोसिस्टम है यहाँ का उसमें एक संतुलन है, बैलेंस है और इसलिए ये बचा भी हुआ है कि ज्यादा दखलंदाजी नहीं करी गई इंसान की तरफ से। ये दो तरह के नारियल पानी इस वक्त मिल रहे हैं यहाँ पर, तेंगा बोलते हैं इसे। एक तो जिसका आप ये रंग देख रहे हैं आम जैसा रंग है और दूसरा हरा। आजकल नारियल पानी भारत के हर शहर में सड़कों पर मिलता है, दिल्ली में मिलता है, मुंबई में तो खैर मिलता ही है जहाँ जहाँ समंदर है, ऐसी जगह पे भी मिलता है जहाँ पर समंदर नहीं है। ये जो है पता ऐसे करते हैं कि इसका वजन से या लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें कितना पानी होगा, उसके बाद इसको हॉरिजॉन्टली रखते हैं हाथ पे, हाथ पे हॉरिजॉन्टली रख के ये आप देख रहे हैं यू हिट थिया, इसको मुझे नहीं मारना आता तो मैं इनसे कहूँगा आइए ओके। ये प्लास्टिक का इस कुदरती चीज पे रखते हुए दिल नहीं कर रहा बिल्कुल, लेकिन ऐसे ही इन्होंने दिया है। बहुत मीठा, बहुत मीठा, ये वाकई ऐसे जैसे इस पे चीनी मिला दी गई, इतना मीठा है ये। मिल मिल जहां बदले पानी है एक रंग नया सा, स्वाद भला फिर क्यों ना बदले, बदल गई जब भाषा, ये हमारा बार है। आप कल्पना कर सकते हैं एक ही तरफ यहाँ पर बेंच है, दूसरी तरफ बेंच नहीं है, यानी जो टॉडी पिएगा वो सामने हरियाली भी देखेगा। तो बड़े शहरों से बाहर जाते ही आपको देसी शराब के ठेके मिलेंगे जो नकली नहीं होती, गैर कानूनी नहीं होती और जो कम पैसे वाले होते हैं उसे वो पीते हैं। लेकिन बड़े शहरों में क्योंकि देसी शराब के ठेके नहीं होते और जो जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं वो अंग्रेजी पी नहीं सकते, इसलिए वो नकली शराब की तरफ जाते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ बहुत सालों से कि बड़े शहरों में भी देसी शराब के ठेके हों। वैसे आप किसी भी देसी शराब के ठेके पर जाएं आपको ऐसे ही मिलेगा। ये स्नैक्स हैं जी साथ में खाने के लिए, टॉडी के मटन फ्राई है, ये बहुत ही बेसिक मटन फ्राई है और ये है टैपियोका, स्वाद आलू जैसा है, शक्ल शकरकंदी जैसी है, उसका जो पूरा जो इसमें फाइबर भी है ये भी शकरकंदी की जैसे ही है। ये है टैपियोका, नारियल के तेल में मटन फ्राई है, ये नमक, काली मिर्च, हल्का सा जैसे वो विफ होता है करी पत्ते का, बस और कुछ भी नहीं है, बहुत ही बुनियादी। इसे लोग टॉडी के साथ खाते हैं और ये रही टॉडी, टॉडी नारियल से बनती है। चकले जायका इंडिया का, चकले जायका।
पिक्चर्स, लेकिन मैं टॉडी नहीं पीता।